नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। जैसे कि हमारे विषय चल रहे हैं जेमस्टोन्स के ऊपर, जब हमने शुरुआत करी थी एपिसोड्स की तो मैं भी कंफ्यूज था कि लोग इसे सराहेंगे या नहीं सराहेंगे, लोगों को ये टॉपिक पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, तह दिल से आपका शुक्रिया कि मैं हैरान हूं, इतनी ज्यादा कॉल्स, इतने ज्यादा आपका जो प्यार हमें मिला है और आशीर्वाद, मैं ये बहुत बिल्कुल बोलूंगा कि जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, छोटों का प्यार हमें मिला है। और 15 लाख बंदे जो हैं अभी तक हमारा वीडियोस देख चुके हैं। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, फेसबुक जो है, हमारे फेसबुक पे भी पेज चल रहे हैं, उसके ऊपर रमन जी एस्ट्रोलॉजर, रमन मल्होत्रा के नाम पर जो हमारे, उसमें भी काफ़ी 70-80 हज़ार बंदे हो चुके हैं। और मैं बिल्कुल आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जेमस्टोन्स को आपने समझा है और अपनी लाइफ के अंदर जो लेकर आए हैं उनकी जिंदगियां भी बदली हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जेमस्टोन्स, कई बार क्या होता है, कुछ रिलीजियस के अंदर जेमस्टोन्स धारण नहीं किए जाते, कुछ पाबंदियां हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम जेमस्टोन्स हाथ में नहीं डाल सकते हैं, जो गले में नहीं डाल सकते हैं। तो उस समय उसका क्या किया जा सकता है, कोई समाधान है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज का विषय है स्टोन्स का स्पर्श किया हुआ पानी। मेरी बात को आप समझिए ध्यान से कि जो स्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, अगर हम उनका स्पर्श किया हुआ, टच किया हुआ पानी पीते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा है। मैं बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यानी कि रूबी, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गुमेद और कैसा है, लसनिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये तब किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी बताती है, एक तो इस हेल्थ इश्यू को लेकर इसे किया जाता है। राजे महाराजे ये करते थे, आप शास्त्र उठाकर देखिए, उसमें अकबर राजा सबसे ज्यादा मुरीद थे जेमस्टोन्स के, उनके जो अपने कोट थे, उसके जो बटन थे वो मूंगे के थे। दोस्तों, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, जितने भी सर के ऊपर ताज रखे गए हैं वो सिर्फ गोल्ड के नहीं बने, उसके अंदर हीरे जवाहरात लगाए गए हैं, नग नगीने जड़े गए हैं। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य अच्छा नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य नीच है, खराब है, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप 2-3 पीस रूबी के लेकर तांबे की गड़वी में इसे डाल दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए और वो पानी स्पर्श किया हुआ पीना शुरू कर देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत मिरेकल्स रिजल्ट्स उसके भी आएंगे। इसी तरह अगर आप मोती, मूंगा, पन्ना, ऐसे जो आपके ग्रह खराब हैं, उनके स्पर्श किया हुआ पत्थरों के पानी पीना शुरू कर देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाली ये बात, ये सारी चीजें हमें कहां से पता लगती हैं? देखिए, मैं बता देना चाह रहा हूं, ये तो मैंने प्रैक्टिकल लोगों को करवाया है और इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कई बार हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा रिजल्ट उनको मिला है और इतना फास्ट। तो दोस्तों, ऐसी ढेरों चीजें, ऐसी ढेरों नॉलेजेबल चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के गर्भ से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हां, एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप रत्नों का स्पर्श किया हुआ पानी पीते हैं तो इसका नेगेटिव जो प्रभाव है वो 0% है, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और लगन से और मेहनत से हम इसके ऊपर एपिसोड आपके लिए लेकर आए। अगर आप पर्सनली मेरे से मिलना चाहते हैं, दूर बैठे हैं, आना मुश्किल है, तो नीचे हमारे स्क्रीन के ऊपर टेलीफोनिक नंबर जो आ रहे हैं इसके ऊपर कॉल करें, अपॉइंटमेंट लीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।